उल्लासित महाराज दशरथ ने शीघ्रातिशीघ्र राजकार्यों को संपन्न किया और राम के राजतिलक का शुभ समाचार सुनाने के लिए अपनी सबसे प्रिय रानी कैकेयी के प्रासाद में पहुँचे। कैकेयी को अपने महल में न पाकर राजा दशरथ ने उसके विषय में एक दासी से पूछा। दासी से ज्ञात हुआ कि रुष्ट होकर महारानी कैकेयी को भवन में गई है। महाराज चिंतित हो गए। उन्होंने कोप भवन में जाकर देखा कि उनकी प्राणप्रिया मलिन वस्त्र धारण किए, केश बिखराए, भूमि पर अस्त व्यस्त पड़ी है। उनकी इस अवस्था को देखकर आश्चर्यचकित राजा दशरथ ने कहा, प्राणेश्वरी, मुझसे ऐसा क्या अनिष्ट हुआ है कि क्रोध होकर तुम कोप भवन में आई हो? यदि तुम किसी बात से दुखी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण अवश्य करूँगा। महाराज के इस प्रकार मनोहार करने पर कैकेयी बोली, प्रणनाथ, मेरी एक अभिलाषा है, किंतु यदि आप उसे पूरी करने की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करेंगे तभी मैं आपको अपनी अभिलाषा के विषय में बताऊंगी। महाराज दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल इतनी सी बात के लिए तुम कोप भवन में चली आई हो? मुझे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तत्काल उसे पूरा करता हूँ। इस पर कैकेयी बोली, महाराज, पहले आप सौगंध लीजिए कि आप मेरी अभिलाषा अवश्य पूरी करेंगे। इस पर महाराजा दशरथ ने कहा, हे प्राण प्रिय, इस संसार में मुझे राम से अधिक प्रिय और कोई नहीं है। मैं राम की ही सौगंध लेकर वचन देता हूँ कि तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी उसे मैं तत्काल पूरी करूँगा। महाराज सौगंध लेने से आश्वस्त हो जाने पर कैकेयी बोली, आपको स्मरण होगा कि देवासुर संग्राम के समय आपके मूर्छित हो जाने पर मैंने आपकी रक्षा की थी और प्रसन्न होकर आपने मुझे दो वर देने की प्रतिज्ञा की थी। उन दोनों वरों को मैं आज मांगना चाहती हूँ। पहला वर तो मुझे ये दे कि आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राजतिलक करें, और दूसरा वर मैं यह मांगती हूँ कि राम को 14 वर्ष के लिए वन जाने की आज्ञा दें। मेरी इच्छा है कि आज ही राम वलकल पहनकर वनवासियों की भांति वन के लिए प्रस्थान करे। अब आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें, क्योंकि आप सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंश में अपनी प्रतिज्ञा का पालन प्राणों की बलि देकर भी किया जाता है। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ का हृदय चूर चूर हो गया। उन्हें असह्य पीड़ा हुई और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ काल बाद जब उनकी मूर्छा भंग हुई तो वे क्रोध और वेदना से कांपते हुए बोले, रे कुलघातिनी, न जाने मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसका तूने इतना भयंकर प्रतिशोध लिया है। पतिते, नीच, राम तो तुझ पर कौशल्या से भी अधिक श्रद्धा रखता है, फिर भी तू उसका जीवन नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो गई है। प्रजा को अत्यंत प्रिय राम को बिना किसी अपराध के मैं भला कैसे निर्वासित कर सकता हूँ? तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु राम का वियोग नहीं सह सकता। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि राम के वनवास की बात के बदले तू कुछ और मांग ले। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तेरी मांग अवश्य पूरी करूँगा। महाराज दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर कैकेयी तनिक भी द्रवित नहीं हुई। वो बोली, राजन, ऐसा कहकर आप अपने वचन से हट रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। आप सूर्यवंशी हैं, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। प्रतिज्ञा से हटकर स्वयं को और सूर्यवंश को कलंकित मत कीजिए। आपके द्वारा अपना वचन नहीं निभाए जाने पर मैं तत्काल आपके सम्मुख ही विष पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि ऐसा हुआ तो आप प्रतिज्ञा भंग करने के साथ ही साथ स्त्री हत्या के भी दोषी हो जाएंगे। अतः उचित यही है कि आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। राजा दशरथ बारंबार मूर्छित होते रहे और मूर्छा समाप्त होने पर कातर भाव से कैकेयी को मनाने का प्रयत्न करते रहे। इस प्रकार पूरी रात बीत गई। अंबर में उषा की लालिमा फैलने लगी, जिसे देखकर कैकेयी ने उग्र रूप धारण कर लिया और कहा, राजन, आप व्यर्थ ही समय व्यतीत कर रहे हैं। उचित यही है कि आप तत्काल राम को वन जाने की आज्ञा दीजिए और भरत के राजतिलक की घोषणा करवाइए। सूर्योदय हो जाने पर गुरु वशिष्ठ मंत्रियों के साथ राजा प्रासाद के द्वार पर पहुँचे और महामंत्री सुमंत को महाराज के पास जाकर अपने आगमन की सूचना देने के लिए कहा।
कैकेयी एवं दशरथ के संवाद से अनजान सुमंत ने महाराज के पास जाकर कहा, हे राजाधिराज, रात्रि का समापन हो गया है और गुरु वशिष्ठ का आगमन भी हो चुका है, अतएव आप शैया त्याग कर गुरु वशिष्ठ के पास चलिए, उन्हें अभी अभी ही निद्रा आई है। महाराज निद्रा से जागते ही राम को कुछ आवश्यक निर्देश देना चाहते हैं। तुम शीघ्र जाकर राम को यहीं बुला लाओ। कैकेयी के आदेशानुसार सुमंत रामचंद्र को उनके महल से बुला लाए।